भाई पीछे साजिद सर आप भी आइए ना साजिद जी मैं पीछे आप पीछे ये सर साइड हो जाओ मैम थोड़ा आप पीछे चलो ये साजिद सर आगे मत जाओ आगे मत थोड़ा पार्टी करो देख रहे हैं हमें थोड़ा पार्टी सेंटर पिक्चर करना है अभी ऊपर अंकित भाई सेंटर आपके सेंटर आप हो गया ओके थैंक यू सोलो कर लेना सोलो प्रियंका जी मैम लुक या प्रियंका मैम यहां सेंटर क्या है मोबाइल की प्रियंका जी ऊपर मैम यहां राइट में थोड़ा घूम जाओ मैम आप एकदम सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट मैम राइट लेफ्ट आपके लेफ्ट प्रियंका आपके प्रियंका मैम थर्ड ऑन प्रियंका जी थैंक यू थैंक यू भाई का अंकित भाई आ जाओ ये विरल के बंदे से मैं बात करूंगी ये विरल के बंदे ने बहुत दुखी किया हुआ है अंकित भाई ऊपर अंकित भाई लेफ्ट अंकित भाई सामने आपके अंकित भाई राइट थैंक यू साजिद सर आपका भी सोलो अरे मैं यार नहीं साजिद सर आ जाओ सर आपके सेंटर साजिद सर राइट में साजिद सर है सेंटर मारा साजिद सर ऊपर लाइट के पर सर डाउन थोड़ा सा सेंटर ठीक है थैंक यू अभी बाइक करना कृष्णा भाई कर लो सब यार बात जनता भाई उसके बाद सिंगल भाई मेरे को तो खड़ा होने दे तो तुम लोग कर लो अरे भाई नहीं सब करेंगे बात करेंगे कोई रकम दुखी नहीं करेगा जल्दी भाई देख मत अच्छा पीछे आ जाओ तीनों का फ्रेम आ जाएगा पीछे आ जाओ चलो रोल एक मिनट जीतू भाई अरे और किधर है वो जीतू भाई का अरे किधर है रुक जा किधर है एक मिनट रुक जा साजी सर एक मिनट रुक जाओ अरे ए साइड से जाओ ये कॉर्नर पे जगह है अरे ये साइड से जा भाई अरे उधर से एक मिनट नहीं मुझे नहीं वो एक बार इधर आ जाओ प्रियंका अंकित एक बार फिर साथ में साथ ही साजिद सर भी है क्या कुछ कहना चाहोगे मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्टर भी है हीरो हीरोइन भी है नहीं हमारी घर में बात होती थी कि हम बाहर जब मिलेंगे तो मिलेंगे ये जब से घर से निकला ये घर से आप जाके मैं पहली बार बॉम्बे आया हूँ हाँ पहली बार ये मुंबई आया तो आज हमारा वादा था एक दूसरे को मिलना है मेरी कॉमन फ्रेंड यहाँ पे मिल रही है और अच्छा लगा प्रियंका से बात होती है अंकित से जबकि जब मेरा घर से एग्जिट हुआ था तो ऑलमोस्ट डेली बात होती थी हमारी बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू अंकित कैसा लग रहा है मुंबई आने के बाद बहुत खुशी है बहुत खुशी होती है ऑफ कोर्स बॉम्बे इज हैज बीन माय होम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम आई मिस बॉम्बे मैं ये भी नहीं बोल सकती कम बैक सून बिकॉज आई रियली वांट हिम टू डू लाइक इसका सीरियल अच्छा चले अभी अच्छा काम करे बट आई विल कीप कमिंग लेकिन देखिए सॉरी ये एक चीज़ तो ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती है ये जो दोस्तियाँ घर के अंदर होती थी वो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होती थी हाँ. वो बाहर भी हमने मेंटेन की है इसलिए नहीं क्योंकि मेंटेन करना जरूरी है इसलिए क्योंकि हम जेन्युइनली के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उन्हीं के साथ दोस्त बने आई एम सो हैप्पी टू सी हिम
फिर साथ ही आज मुंबई आए तो क्या कुछ एंजॉय किया? सबसे पहले प्रियंका और हम कहते हैं अभी तक तो ये सब दोस्तों से मिल रहे, क्योंकि ये भी एक दो दिन के लिए आया तो ही इज मीटिंग एवरीबॉडी। फाइनली साजी जी से भी की मुलाकात होगी, तो अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं, बस लंच करके आए थे, वही एंजॉय किया। हां बट लंच करने गए कितने बजे? लंच करने ये लोग 5 बजे गए। ये अंकित का टाइम क्योंकि हम लेट हो गए थे। हां ये अभी तो छुट्टियों पे हो ना, आज दो दिन टाइम लंच 5 बजे करता है, छुट्टियों का टाइम टेबल। वेल अगर साजिद सर जैसे कि कहा कि हीरो हीरोइन है और साथ ही डायरेक्टर भी, अगर कोई मूवी बनाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके की मूवी? अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट आशिकी 4 सर, आशिकी 4 आशिकी 4 ही है, तुझे तो ले लेंगे, मुझे कौन लेगा? राइट। वेल साथ ही अंकित आपका तो सीरीज बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों बोला? नहीं बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं बहुत लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रियंका को लोग देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, खतरों आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्ट हो रही थी प्रियंका इस बार आने वाली है, आप क्या कहना चाहोगे प्रियंका को, देखना चाहते हो खतरों? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उनको प्रेडिक्शन ही रहने दो, और व्हाटएवर शी विल डिसाइड, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, आई एम श्योर शी विल डू विद द बैंग, बहुत जल्दी बहुत ही कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नहीं लेकिन हम हमेशा देखते थे बिग बॉस के घर में आप कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते थे, प्रियंका आपको वो सलाह सिर्फ मुझे ऐसे अकेले में समझाता था ना, प्राइवेट बिग बॉस के घर में कौन किसको सलाह नहीं देता था? एग्जैक्टली, हम दोनों बात नहीं कर रहे होते थे फिर भी हमारी सलाह तो चलती जारी रहती थी। अगर शो अगर कोई देखना चाहते हो प्रियंका को, अगर कोई शो में, तो किस तरीके का शो होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए? वो किस तरह का शो तुम करना चाहते हो? कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, जो मुझे उतना अट्रैक्ट कर सके। आई थिंक जूम कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर समथिंग लाइक हाई एक्शन ड्रामा, हाँ मतलब काइंड ऑफ वेरी ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, और मेरी सारा रहना चाहिए जिसमें टीआरपी सबसे मैक्सिमम हो। यस, और मेरी together a very intense love story. No. Well, साथ ही जिस तरीके से दोस्ती की बात आती है, लेकिन दोस्ती के अभी कुछ क्लिप्स हमने ऐसे देखे, अब्दू के भी देखे हैं, स्टैंड के भी देखे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एज अ फ्रेंड्स आप क्या कहना? आई थिंक देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की उम्र देखिए, 19 साल का, 22 साल का, दोस्तों में तो थोड़ा मन मटाव होते रहता है यार, कौन सी बड़ी बात है? और वो आई एम श्योर एक बार जब अब्दू नीचे आएगा या व्हेन ही कम्स टू मुंबई, हम बैठ के सब साथ में खाना खाएंगे, जस्ट टेक्स वन हग, आई एम श्योर सब सही हो जाएगा, इट्स नॉर्मल यार, फोन पे बात हो भी गई। आई थिंक ये सारी चीज़ों में ना मसाला डाल के ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाल ही में अर्चना को भी जब पूछा गया, अर्चना के तो कुछ अलग ही अर्चना की बातें ऐसी रहती है, आपको तो पता ही है, सबने तो देखा है। अंकित जैसे कि रियूनियन टाइप होगा, अभी आप आए हो तो किस किस से मिलना चाहते हो, सभी बिग बॉस के जितने भी आपके फ्रेंड्स? मैं एक्चुअली जिस से मिलना चाहता हूँ बिग बॉस से, और किसी से नहीं। मैं आम समी जो बहुत मुश्किल से दूसरा आता है, ऐसा मेरा बॉन्ड घर में